दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 11/11/2023 है और अब इस समय 11:11 हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई अजीब संयोग है, सिंक्रोनिसिटी 11/11 को मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:11 पर। मुझे अभी अभी जैसे किसी ने जगाया कि मंगल ये बोलो। मैंने कि सर बोलता हूँ, नहीं मानते तो अब वो परमात्मा बोले तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन उसने ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट मुझे दिया है कि क्या मैं उसे बोलूँ। ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये वो उसने बोलने को कहा है तो ये समझ लो कि वह बोल रहा है। किस बारे में बोल रहा है? बड़ा टिपिकल बारे में। उसने कहा है, देखो दोस्तों, मैं मंगल सोशल मीडिया पर कई सालों से बोलता रहता हूँ इस बारे में, और मैं क्या है कि कई बार किसी का दिल दुख है तो मैं क्षमा प्रार्थी भी होता रहता हूँ। उस परमात्मा ने अभी मुझसे कहा है कि बोलो मंगल, इस गांधी नेहरू परिवार के लिए बोले बोल दो। मैंने 2 दिन पहले भी बोला, कल परसों बोला कि ये गांधी परिवार जल्दी से भारत छोड़े। पता नहीं उस भोले भंडारी को क्या पड़ी है। भाई वो भोले भंडारी हैं, दुनिया का संचालन करते हैं, उनको ये चाहिए तो होगा। इनको पता नहीं है कि भारत में हालात बिगड़ने वाली हैं कभी भी, औरों के साथ तो होगा जो देखा जाएगा। पता नहीं इस परिवार को वो बचाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कहा है। यदि हम फिजिकल रीजन से, दुनियादारी के कारणों से सोचते हैं तो भाई वो भोला भंडारी ऐसा क्यों कह रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने उससे ये पूछा। उसने कहा, मंगल ये भारत की दुनिया तो बावड़ी है, वैसे भी तुम देखो जिस शहर में जहाँ पर किसी भी वजह से जिस परिवार पर 4000 सरदारों का को दिन दहाड़े मारने का आरोप है, भयानक तरीके से नृशंसतापूर्वक, उन लोगों को उस शहर में रहना ही नहीं चाहिए। क्या पता कौन जाने कब हालत ख़राब हो जाएं। आज उनका राज है, जेड प्लस सिक्योरिटी है, कल को सारी व्यवस्था खराब होगी। दोस्तों राहुल गांधी परिवार, मुझे दोष मत देना। भाई मुझे तो उसने कहा है, मुझे क्या पड़ी थी, और मेरा दिल भी ऐसा ही है कि किसी को बचाव हो जाए तो अच्छा है, कोई गद्दी खाली मेरे लिए नहीं होगी। मैं तो हूँ जैसा ही हूँ, ईश्वर जो जैसा बनाएगा और जैसा उसने बनाया है। भाई उसने कहा जल्दी करो, पता नहीं क्या हो रहा है, लोग तो बावड़े हैं जिनको पता नहीं है, ये सारे इलेक्शन लड़ने वाले बावड़े हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले तो है ही। अरे अपने बाल बच्चों के बारे में तो सोचो, देश तो चलेगा जैसे चलेगा, जिसने देश दुनिया जो बनाई है वो चलाएगा उसको। राहुल गांधी परिवार, भाई आप तो छोड़ो, कहीं ऐसा नहीं हो बहुत देर हो जाए और बाद में लोग कहते रहे कि हाँ यार एक छोटे से आदमी ने ये कहा तो था, और मैं कोई 10 साल से ऐसा कह रहा हूँ, उसके शब्द गलत नहीं हो सकते।
वह प्रत्यक्ष है, वह भगवान यहीं सबके सामने बैठा है, लेकिन हम उसे देखते नहीं। मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये एक प्रेम की बात है। जिस परमात्मा ने इतनी मेहरबानी करी कि मैं उसको सामने देखता हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं देखता हूँ, फिर क्या मेरा प्रेम हुआ? ऐसा ही करो, विदाउट फेल, इमीडिएटली। आप पर ये वीडियो नहीं पहुँचे तो भाई मैं इसमें मैं क्या करूँ? आपके प्रेमियों को पहुँचाना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।